Archana ji, namaste. Hi, Archana. Hi. Bhoori ji, hi. नहीं बुरे इसकी हाय मत लेना, ये गरीबों की हाय ना बहुत लगती है. और ऐसे जीजे की सलाह भी लेना, अपनी बीवी के बारे में इमोशनल बातें बताकर ना साली को हक कर लेते हैं. देखो यार, हम ना गरीबों के मुंह ही नहीं लगते. और ढाबे के मालिक को तुम गरीब कह रहे हो? तुम भी तो 3 कटोरी 4 चम्मच और 5 ढक्कन को ढाबा कह रहे हो. हेलो, ढक्कन 6 है मेरे पास. सॉरी चंदू, तुम्हें इंक्लूड नहीं किया. बुरी, ढक्कन कोई छोटी चीज नहीं होती. तुम्हें पता है, अगर ढक्कन ना हो तो कुकर की सीटी नहीं बजेगी. अगर ढक्कन ना हो तो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो, पिस की आवाज नहीं निकलेगी. अगर ढक्कन नहीं होता तो अक्षय कुमार लात मारकर ढक्कन चैलेंज किसके साथ खेलता? वाह 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 वाह, ढक्कनों का ब्रांड एम्बेसडर. किसी बोतल में जाके फिट क्यों नहीं हो जाते तुम? ढक्कनू चंद कहीं का. वैसे अर्चना जी, जी जी, देखिए, इस मोहल्ले का मालिक होने के नाते हमने फैसला किया है कि हम मोहल्ले का डेवलपमेंट करेंगे. यहाँ पर जो कुछ भी पुराना है ना, वो सब हटा के हम नया लेकर आएंगे, कुछ नया. ये मोहल्ला हमारा है और हम हैं इस मोहल्ले के बच्चा यादव. यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो करेंगे. ये क्या हो रहा क्या चल रहा है अभी? तुम लोग ये अपना सामान बीमान इकट्ठा करके निकल लो यहाँ से. चलो चलो. अरे अरे, ऐसे कैसे? ये तुम्हारा मोहल्ला है ना, इसको दुबई के एक शेख ने खरीद लिया है. अरे ऐसे कैसे कोई मोहल्ला खरीद सकता है? ये शानी, प्यार से समझा रहे, धमकी समझ के निकल ले क्या? धमकी समझ के निकल ले. लड़की को धमकाते हो? अगर हिम्मत है तो मर्द से बात करो. बात कर मर्द से, बात कर फेस टू फेस, बात कर. चल बात कर. नहीं नहीं भाई साहब, बोल बोल ब्रदर, मैं तो ये पूछ रहा था मोहल्ला अभी खाली करना या है हमारे पास अभी 10-15 मिनट में? अभी के अभी. बस यही कह रहे थे हम भी, थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर करना था. अभी क्लियर? हाँ जी हाँ जी. चलो खाली करो. हाँ जी, चलो रे. वाह चंदू वाह, 12 सेकंड लगातार जो तुमने मर्दानगी दिखाई ना आज, वाह. मान गए 12 सेकंड. अरे ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है? हम मोहल्ला खाली कर दे. मैं अभी पुलिस को बुला. करो जल्दी करो. हेलो, हेलो, जैन, मैंने तेरे चपेट मारनी. इंस्पेक्टर साहब, मैं फोन बाद में करती हूँ, आप पहले आ जाते हैं. दुनिया भर की प्रॉब्लम होती तुम्हारी सोसाइटी में? सोनी टीवी के और भी 50 शो चलते हैं, कोई भी फोन नहीं करता. क्राइम पेट्रोल में तो मर्डर तक हो जाते हैं. बताओ क्या हुआ, किसने छेड़ा तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं छेड़ा. मैं भी सोचूं तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा. तू बता अभी मोटे, कहाँ चोरी की तूने? हमने विक्टोरिया का सीक्रेट चुराया. जी बात में यार, तुमको हम चोर लगते हैं? अच्छा, इसने की होगी चोरी, तेरा मुंह सॉरी जैसा. इधर ओ इंस्पेक्टर साहब, उन लड़कियों से पूछो जो मेरा चेहरा पकड़कर ऐसे ऐसे करने को तरस रही है. देखे देखे इंस्पेक्टर साहब, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है. जब किसी ने कुछ नहीं किया है तो मेरे को यहाँ लेडी संगीत में बुलाया? एक सेकंड सर, हम आपको लेडी संगीत में क्यों बुलाएंगे? अच्छा, खुशी के मौके पे कभी नहीं बुलाता तुम. कोई मर गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, पुलिस बुला लो. तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डांस में पिछड़ गई. पता इस साल हमारा एक भी बंदा सुपर डांसर में सिलेक्ट नहीं हुआ. इंस्पेक्टर साहब, पुलिस नाचने के लिए थोड़ी होती है. तो ये बात रणवीर सिंह और अजय देवगन को क्यों नहीं समझाते? सर 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 सर, इधर आइए आप, मेरी बात सुनिए. हाँ जी. कुछ गुंडे आए थे, वो हमें धमकी देकर गए कि हमें मोहल्ला खाली करना पड़ेगा. उन्होंने धमकी दी? हाँ. तुमने ले ली? देखो ऐसे धमकियों को सीरियसली लेना,
पिछली बार भी इधर पिछले मोहल्ले में एक आदमी धमकी दे गया था तो आपने मैटर सॉल्व कर दिया? नहीं, मेरे जाने से पहले मर्डर वर्डर करके निकल गए वो। सुनते कहाँ हैं वो? देखो देख रहा हूँ, हाँ जी संडे है, हाँ जी जाओ कोई एंजॉय करते, बोतल बोतल लेके जा। बोतल तो है लेकिन उसका ढक्कन नहीं खुल रहा। ढक्कन नहीं खुल रहा? हाँ जी। ढक्कन चैलेंज खेल लेते। अक्षय कुमार, हेलो अक्षय कुमार, हाँ जी। ओह सॉरी, आपको रात को इतनी बार फोन किया मैंने, अपना ढक्कन खुलवाना था जी। हाँ जी, ओके ओके। क्या वो मान गए? नहीं, कहते 4 बजे उठ के सबसे पहले तेरे ढक्कन खोलूंगा। तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे सेलिब्रिटी के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। हम समझ गए इंस्पेक्टर साहब। ये समझ रहे? यहाँ आइए, यहाँ आइए, हम समझ रहे हैं। अरे रख जेब में डाल। क्या है क्या? हमारा मोहल्ला ना खाली कराने की कोई धमकी दे रहा है, कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। कब्जा? कब्जा कमांडो की ट्रेनिंग ली मैंने। कब्जा क्या? मैं तो 6 महीने पुरानी कब्ज खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हारा मोहल्ला कौन खाली करवाता है। हटाओ मैं इधर। न बच्चा न बीवी, हमारे घर पे आओ कभी भी। ओ हेलो, ए हमारी फैमिली शो में कैसे ऊट पटांग इशारे कर रहे तुम? अबे ओ कजूर, हम हमारा ऊंट पार्क कर रहे थे। एक सेकंड, हमें तो कोई ऊंट नजर नहीं आ रहा। इस शो में तुम्हारा एक्टिंग नजर आता है? नहीं आता? फिर भी तुम एक्टर होती ना, ऐसे हमारा भी ऊंट होती। बात करते पीछे हो जाओ। ये क्या कर रहे तुम? हम भी अपना जीप पार्क करती। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा जीप का हेडलाइट बहुत मस्त होती। हमको भी तुम्हारे ऊंट का आंख बड़ा पसंद आती। हम एक सलाह दे, इन दोनों का रिश्ता करा के ऊंट गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? अरे क्या बात है, क्या बात है! अरे ये ऊंट तो पेट से, ये ऊंट पटांग हरकत तुम किसके साथ किए? इंस्पेक्टर साहब, ये शेख कुछ भी बोले जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ? मेरे को बताया कि नहीं तुम पापा बनने वाले हो? बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। अरे सर, आप नाम रख लीजिएगा, आप पाल भी लीजिएगा बच्चे को। पहले शेख को निकालिए, यही कब्जा करने आया है मोहल्ले को। तुम हमारा ऊंट से दूर रहना, मैं बता रहा है। कहीं तुमको मुंह में पकड़ लिए ना, फिर लोग बोलेगा वो देखो ऊंट के मुंह में जीरा। बात करते बात करते, तुमको मालूम है हमारा ये जो ऊंट है ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? क्योंकि सामने उसका कुल देवी है। और मेरी बात कान खुल के सुनो। ओए कबीज का बच्ची। कबीज का नहीं, हरभजन सिंह का। कबीर सिंह मेरे चाचा जी हैं। जैसे कबीर सिंह जो है मेरे चाचा जी की लाइफ में बनी है, वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो गए तो शायद कपूर को ले लिए, इतनी सी बात है। अच्छा क्या? काश मुझे कबीर सिंह जैसा बंदा मिला होता। बुरी, तू मेरी बंदी है। मैंने कबीर सिंह कहा, फकीर सिंह नहीं। अरे ओ जाहिलो, अपनी लव स्टोरी बंद करो यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब अपना काम कीजिए ना यार। ओए शेख बोलो। ओए मैं थोड़ा ज्यादा लाउड हो गया था, मेरे को आईडिया नहीं लगा। सॉरी, आराम से बात करते हैं, इतना ठीक है? हाँ। क्या नाम है आपका शेख साहब? अल खुखाइला फुखा खा, मैं रस्ते से जा रहा था, बेलपुरी कह रहा था, खालिद चौरसिया। चौरसिया शेक कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तुम्हारा इधर बनाना शेक हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक हो सकता है, चौरसिया शेक नहीं हो सकते। हमको छोटा मोटा आदमी मत समझना, मालूम है बड़े बड़े लोग कम बड़ा आदमी बना। और अगर तुमको बड़ा आदमी बनना है तो आओ दुबई में, हमको फोन करो। सच्ची में न बच्चा न बीबी, हमारे घर पे आओ कभी, साथ में बैठ के देखेगा हम टीवी। अरे इंस्पेक्टर साहब, खुला खुला आदमी हमें छेड़ रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शुक्र करो तुम्हें कोई छेड़ रहा है, जो तेरे जैसे आदमी को देख के लोग वैसे ही बोल देते हैं, भाई साहब टॉयलेट इधर है। आप हमें बताइए कि ये मोहल्ला आपका हुआ कैसे? शेख साहब, सोनी साहब दुबई में आए थे। अच्छा? हाँ, हम उनको बैली डांस दिखाया। ओ हाँ, तेना खूब छान वाट लेते, हमारे दिल लेते है,
क्या मतलब बोल ले ये क्या तुम्हें मोल तुमसे ओ शेख साहब हाँ आप शेख को मराठी कैसे बोल रहे हो यार मुंबई में पंजाबियों का मराठी निकल रहा हम तो फिर भी दुबई से आए वो था ये शेख झूठ बोल रहा है सोनी साहब को अगर बेली डांस देखना होता वो मुझे बोलते मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ म्यूजिक शेख साहब ये क्या कर रहे हो इसका डांस देख के हमारा ऊंट ने उल्टी कर दी है इधर ए शेखू मैं तब से तुम्हारी ये फेकू बातें सुन रही हूँ यहाँ कोई ऊंट है ही नहीं तुमको मालूम है जो फटीचर भिखारी टाइप आदमी होता है उसको ये ऊंट नहीं दिखता लेकिन जो दिल का अच्छा आदमी होता है उसको ये ऊंट नजर आती है तभी मैं कहूँ ऊंट मुझे क्यों नजर आ रहा है बुरी देखो मैं कितना सच्चा इंसान हूँ शेख साहब लाओ मैं ऊंट का मुंह साफ कर देता हूँ ये क्या कर रहे तुम क्यों क्या हुआ अरे मुंह उसका उधर है हाँ जो अपना कैसा लग रहा है सच्चा और दिल का साफ बनके दिल के साफ हाथ गंदे होकर धोलो जरा शेख साहब मेरा टैलेंट किसने आज तक नहीं देखा मुझे कभी मौका नहीं मिला है हाँ। बैली डांस तो मैं भी बड़ा अच्छा कितना गंदा तुमने किया है हट म्यूजिक आगे से कंपटीशन नहीं करना मेरे साथ क्या चल क्या रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे आप क्या डांस करने आए हैं कैसा तेरा बेल आइकॉन जैसा तेरा मुंह है तेरा मारो तेरे फट एक मिनट बहुत तुम लोग का मजाक हो गया चलो इधर जल्दी काली करो हमको इधर रेत भी डालना है और ऊंट भी छोड़ना है जल्दी करो अरे ऐसे कैसे ऊंट छोड़ देंगे यार हमारी भैंसिया कहाँ जाएगी फिर तुम्हारा भैंसिया तुम्हारा धोती में जाएगा हमको क्या लेना देना तो अपना ऊंट भी अपना फ्रॉक में डालो हमको क्या लेना देना अगर तुम हमारा ऊंट का बेइज्जती किया तो हम तोहरा के बता दे हम कौन बा तोहरी भैंसिया का पूछ मारो लल्लन टॉप जा बनी तोहरा के हम देख ले बे शेख का भोजपुरी बोल रहा है हाँ तो हम भोजपुरी स्पीकिंग कोर्स किया है हमारा जो ऊंट है हम उसको भोजपुरी पिक्चर में लॉन्च कर रहे हैं हीरो और हम टाइटल भी रजिस्टर करवाए देखो क्या भैया बोले झूठ बा भौजी भाग संग ऊंट बा और अर्चना जी इसका जो शूटिंग है वो हम ऊटी में रखेगा अच्छा ऊंट है इसलिए ऊंटी अरे इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ शूटिंग देखने आए कि क्या करने है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इसे अभी बोलता हूँ शेख साहब क्या आइडिया है मैं तो कहता हूँ ये फिल्म में आप एक गाना जरूर डालना ऊंटो से छूला तुम मेरा ऊंट अमर कर दो देखो तुम्हारे साथ रह रहे मैं तुम्हारे जैसे जोक मारने लगा हूँ कहीं ये ना हो चैनल मुझे चोटी लगा के इधर खड़ा कर दे खोलो भी जोक का पिटारा है एक मिनट बहुत मजाक सूझ रहा है तुम लोग को हट 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 ठीक है उन्हें आपको नहीं कर ओ आपका ऊंट पीछे जाके मेरी जीप को चाट रहा है हेलो शेख साहब बहुत हो गया ड्रामा अगर मोहल्ले पे कब्जा चाहिए तो पहले नोटिस दिखाओ मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ तेरे मुंह पे लॉ सूट करता है तू क्या मैं लॉन्ड्री का स्टूडेंट हूँ मैं कच्चे बनियान धोता हूँ लॉ का स्टूडेंट हूँ हाँ तो ये वर्दी आप पे सूट करती है क्या फायदा इतनी पावर का आप एक शेख पर एक्शन नहीं ले सकते ये पकड़ो 15 मिनट के लिए पावर तुम्हारी जाओ लो एक्शन चलो कम ऑन चंदू आवाज भी आप जैसी निकाले बकवास नहीं करने जाके चलो इधर इंस्पेक्टर चलो एक्शन लो चलो मैं चंदू बेटा चांदनी अर्चना जी को साक्षी मानकर उनको कोई लड़की नहीं मानता तू साक्षी मान रहा है शपथ सभी लेते हैं एक्शन लो यार क्या एक्शन लो लगा रखा है पहले मेरी सिम्बा की तरह एंट्री तो कराओ इधर ये जुम्बा बना हुआ कच्चा पहन के और सिम्बा की एंट्री लेगा लो एंट्री माशाल्लाह क्या बात है तुम बहुत अच्छा हंसते हाँ। तुम ना कोई कॉमेडी शो ज्वाइन करो उधर बहुत अच्छा होगा वो तो मेरा टैलेंट है जी जिधर मैं जाता मैं बहुत अच्छा चलता हूँ जी नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तुम दूसरा शो पे जाओ हमारा बहुत अच्छा होगा इधर ये बोल रहे ओए शेख
हम इधर चाय पिला पिला कर टिके हुए हैं, लोगों को तेल लगा लगा कर नहीं। भूरी, अब तो मैं इंस्पेक्टर भी बन गया हूँ, सरकारी पक्की नौकरी है मेरे पास, अब तो हाँ कर दो। एक गोरे गांव की उमराव जान, आज की बाद में लेना, पहले उधर चलो, एक्शन लो, चलो उधर। लो लो, कम ऑन चंदू। ओए शेख, ऊपर वाले के नाम पे ये मोहल्ला छोड़ दे। वाह, क्या एक्शन लिया तूने, सिर्फ इसने ऐसे नहीं किया, नहीं तो ऑलमोस्ट भीख मांगी तुमने। पीछे आ जाओ, आज मैं इसके ऊपर जीप चढ़ाऊंगा। नहीं, अच्छा। अरे तुम क्या जीप चढ़ाएगा, हम भी अपना ऊंट चढ़ाएंगे इस पे। अरे हमारा ऊंट किधर है? अरे नहीं है आपका ऊंट? किधर गया? कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा कुत्ता है। ये ले लीजिए आप। ये जो ऐसा ऐसा फालतू कॉमेडी किया ना तुम, ऐसा कुत्ता दिखा के, ये कुत्ता है। एक मिनट, ये ले रख अपना कुत्ता अपने पास, बड़ा है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं खड़ा था ना चुपचाप, अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, कुत्ता फनी नहीं होता। खड़ा दे, ओ शेख, ये मोहल्ले पे कब्जा करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। हमको पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ। नहीं मान रहा। अरे आप शेख को उसी की भाषा में जवाब दो। इसकी भाषा में मेरे तो नहीं बोली जाएगी, चार बार मैंने होती होती किया, मेरा तो पोज ही चेंज है, मेरा ऐसे बैठने को दिल कर रहा है। मैं भी शमशेर होती, होती कि नहीं होती मेरा। इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये पोज हमको बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, 200 नंबर पे फोन करो, उनको बोलो 100 नंबर वाली पुलिस फंसी हुई है, 200 वाली भेजो। ये अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम गलत समझ रहे। 2000 दिनार रखो और ये मोहल्ला हमारे नाम कर दो। रिश्वत? शेख साहब, मेरी जरूरतें भले ही ज्यादा हैं, लेकिन मेरे जमीर में भी दम नहीं है। मैं पिके हूं, आई एम सोल्ड। एक मिनट, एक दूसरे के साथ क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप? उसने सिर्फ फुसर फुसर किया, खुसर खुसर तो उसने की नहीं। अरे फालतू में बातें मत बनाओ। अरे आप खुसा करो फुसा करो, जो करना है करो, लेकिन अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, संस्कार नाम की चीज है कोई नहीं। और तुमने सुना नहीं अतिथि देवो भव? सुना कि नहीं सुना? ओए अतिथि को देवो भव दो, अतिथि तुम मुझसे भवा लो, भवा दो, भवा लो, भवा लो। चलो, क्या बात है, हमको तुम्हारा भाव बहुत ही अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर माय मेजेस्टी, 1200 रुपए कम पड़ रहा है, करा दो मेरे मकान की रजिस्ट्री। ये हमारे मोहल्ले पे कब्जा कर रहे हैं, आपको यहाँ पे काफिया मिलाने की पड़ी है, अरेस्ट कीजिए यार। वेरी एंग्री मैन यू आर, सो इतना कर लेते गिरफ्तार। ये थोड़ी सी हथकड़ी दे रहा, थोड़ी सी हथकड़ी? क्या हथकड़ी मांग रहे हो, सौंफ मांग रहे हो? हथकड़ी नहीं हमारे पास, हथकड़ी रखने की कोई औकात नहीं है, पुलिस को बुला रहे हो इधर। अरे हथकड़ी पुलिस लाती है। अच्छा, हथकड़ी भी पुलिस लाती है? हैं, जीप भी पुलिस लेके आए, डंडा भी पुलिस लेके आए, मेरे को पहले बता दे, मुजरिम भी घर से ले आता मैं। बकवास कर रहे हैं। बस, अरे बहुत हो गया, अब मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। ए कबीज का बच्चा, क्या कर रहे तुम? क्या किया मैंने? हमारा ऊंट का पेट पे पैर रख दिया तुम। ऊंट के पेट पर कोई पांव कैसे रख सकता है? अरे हमारा ऊंट ऐसे लेटा है, उसका चिलिंग टाइम है, बेचारे का पेट पर रख दिया तुम। अरे भौर में गया आपका ऊंट और उसका चिलिंग टाइम, आप ना हमें मेन मुद्दे से भड़का रहे हो। हाँ, प्रॉपर्टी कागजात दिखाओ पहले। तू बड़ा मोहल्ले का मुंशी लगा है, गंदे मुंह वाले। ये जब पैदा हुआ ना तो माँ बाप वैसे नॉर्मली डॉक्टरों से बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसके जन्म पे उन्होंने NOC मांगी। कहते हैं हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, इसको हम पाल सकते हैं कि वाइल्ड एरिया में छोड़ना पड़ेगा। देखिए सर, NOC मांगे या PUC मांगे, लेकिन आदमी की बात में दम है। तो मेरे पास आलू है, दम आलू बनाए। देखा तेरे जैसा जोक मारा मैंने, मैंने तेरा करियर खत्म कर देना है। शेख साहब, आप कागज दिखाइए। कागज हम लाया गोलकोंडे। गोलकोंडे, ये देखो कागज। वाह, क्या कागज है, बिल्कुल सही है, मोहल्ला आपका हुआ जी। ये तो अरबी में, आपको अरबी आती है? मेरे को अरबी?
मेरे को लौकी भिंडी तुरई सब आती है। हम समझ गए, आप जरा इधर आइए। आप कर क्या रहे हैं यार? आप इधर आप कर क्या रहे हैं? अरे किसी ने आदमी को पैसे दिए ना हमने। 20,000 दिया तूने, 25,000 का तो मैंने होती 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 कर लिया मैंने। 30,000 रुपया और लगेगा। तो ऐसा बोलो ना यार, ये 30,000 नोट फटे हुए? नहीं नहीं सब ठीक है, 50,000 हो गया, अरेस्ट करो उसको। मेरे आका, हेलो शेख साहब, मैंने पूरे कागज चेक कर लिए हैं। इसमें नीचे की दो लाइनों में अरबी के चार स्पेलिंग गलत है, मोहल्ला इनका हुआ। ये लो 20,000 दिनार। देखो मैंने दोबारा कागज चेक किए, कोई गलती नहीं है, इनके उधर ऐसे डिजाइन होते हैं, तो ये माला इनका हुआ। तुम लोग निकलो, तुम लोग निकलो। एक में अभी तो सारे 13 सेकंड पहले इसी कागज में चार गलतियां थी। वो मैं नीचे से पढ़ रहा था, मेरे को किसी ने बताया कि इसको ऊपर से पढ़ते हैं, उस हिसाब से। ओ हेलो इंस्पेक्टर साहब, सारे कागज ऊपर से पढ़े जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उर्दू जो है राइट से लेफ्ट को पढ़ी जाती है बस। इधर आ मेरे लुधियाना के गुलजार, तेरे को बड़ी उर्दू की नॉलेज है, उर्दू में करके दिखा कुछ। ये क्या था? उर्दू में गुस्सा। आप क्या कर रहे हैं? अरेस्ट कीजिए ना आप। करो करो 20,000 और दीजिए, और दीजिए 20,000। ओए शेख इधर मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा डिजाइन है ऊपर पेपर पे, ये गलत है, ये फैमिली शो है, ये गंदा डिजाइन है, वी विल नॉट अलाउ। मोहल्ला इनका हुआ 40,000 दिन। ये तो मेरे को अपनी बात पे टिके रहने का टाइम नहीं देते यार। देखो मैंने ये स्पेलिंग सेंसर करवा ली है, ए सर्टिफिकेट के साथ, मोहल्ला इनका हुआ। निकलो अपना पेट लेके भागो इधर से। इंस्पेक्टर साहब इतनी जल्दी तो लोग चैनल नहीं बदलते जितनी जल्दी आप अपना करेक्टर बदल रहे हो। सही है। पैसे आ रहे आ रहे। ओए शेख मोहल्ला जो है 50,000 दिनार रखो। बोली क्यों नहीं लगा देते? कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, पैर तो छोटे ही है। मैं थक गया इधर उधर जाके, मैं मेरे पास ये भी नहीं, और अंदर जाके 2,000 का नोट मेरे अंदर। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, मतलब आप दोनों तरफ से पैसा खा रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे आप। ये बात तुम नॉर्मली भी बोल सकती थी, ऐसे एनएसजी वाली एक्टिंग करने क्या जरूरत थी? छोटे बच्चों की नसीरुद्दीन शाह, छोटे बच्चों की नसीरुद्दीन, हमको धोखा दिया रे। क्या? अरे हमको तो लगा था तुम सच्चा रिश्वत खोर है पुलिस वाला। ओ शेखों की रीना राय, ये रो कैसे रहा है? जैसे पहले पैर में धोखा मिला इसको, क्या है बंदा यार ये? शेख साहब आप टेंशन मत लीजिए, अब हम इस इंस्पेक्टर को दिखाएंगे तब जब हिंदुस्तान और दुबई एक हो जाएंगे। अल हबीबी बोलो जबीबी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हिंदी चीनी भाई भाई होता? तुम लोग गलत खेल रहे हो, हिंदी दुबई होता ही नहीं। शेख साहब आप इसके बुर्ज का खलीफा कर दो। एक मिनट शेख साहब, शेख साहब ये ऊंट पीछे करती? ऊंट का क्यों पीछे करूं हम? क्योंकि वो ऊंट के पीछे मैं जीव लेके भागती। ओए ओए ओए, सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियां। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, टाइगर टाइगर संडे संडे हो गया, उठो 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 टाइगर, उठो आप। अरे आप इधर ही सो रहे थे, आप अंदर चले जाते हैं। सर उस रूम में कुछ था ही नहीं, कोई बिस्तर विस्तर कुछ नहीं। वो सॉरी, आप एक काम करो, आप शुरू करते हैं तो आप वहां से एंट्री ले लो, ऐसे शो करना जैसे अभी अभी एकदम फ्रेश आए हो और मैं पहली बार आया, ऐसे करना है ठीक है? नहा धो के आ जाओ, ब्रश करो। अर्चना जी भी नहा के नहीं आई, कोई चक्कर नहीं, आ लो आप आओ। इधर कोई नहा के नहीं आया, आपने वहां से चल के आना। ओके सो गाइस, फिल्म वॉर के दो जबरदस्त वॉरियर आज भी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले 8 पैक धारी, शार्प फीचर्स के धनी आ रहे हैं, महाबली टाइगर श्रॉफ। सो टाइगर कहीं बाहर शूट कर रहे थे, डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं। आइए टाइगर, आप थक गए होंगे, आइए।
बड़ी सारी बातें हमारी बची हुई थी। टाइगर वैसे भी जब भी आता है मुझे बड़ा दिल से प्यार आता है, मेरा छोटा भाई है और इतना मेहनती है। मैं हमेशा कभी कभी टाइगर को मैसेज कर देता हूँ या फोन कर देता हूँ, भाई आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती ना, फिर जैसे फोन कटता टाइगर फिर मैं सुस्ती हो जाती, सो जाओ यार, हाँ जिम नहीं, बड़ा मुश्किल है। टाइगर आप इतने वैसे शाय हैं, इतने टैलेंटेड है, लेकिन ये शाय बहुत हैं, तो लड़कियों से शर्माते भी हैं थोड़ा। आपने देखा कभी लड़के हैं ना टाइगर ये तो बस हेलो हक करके। टाइगर ये जो बागी में और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में आपने जो किसिंग सीन किए थे, हाय रब्बा, वो आपने स्वयं किए थे या बॉडी डबल थे? देखो कैरेक्टर के लिए कुछ भी करता हूँ मैं सर, तो मैं तो कैरेक्टरलेस करने के लिए कुछ भी करता हूँ। I mean, टाइगर ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फैंस की तरफ से, मेरा कुछ नहीं है। वैसे बोल रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी बॉडी है जी, कभी ऐसा हुआ है कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने जानबूझ के बॉडी दिखाने के लिए ऐसे जानबूझ के जूस गिरा लिया होगी, ओह मेरा जूस गिर गया, ऐसे किया है कभी आपने? वैसे तो नहीं, पर ऐसे स्कूल में कई बार ऐसा करता था मैं। स्कूल में भी इतनी अच्छी बॉडी थी? मतलब बचपन से सिक्स पैक है मेरा तो। तो ऐसे मतलब बेशर्मी से मैं सबके सामने चेंज करता था, चेंज मतलब ऊपर का ही। तो या तो फिर बड़े होके आप शर्माने क्यों लग रहे लड़कियों से? आई डोंट नो, मैं आई गेस एक्टर बनने के बाद खासकर मैं और ज्यादा थोड़ा इंट्रोवर्टेड बन गया, पता नहीं क्यों। पर ये बात अच्छी है कि कैमरा पे जब आप आते हैं उस समय सब कुछ भूल भाल के देन माय ब्रो रॉकस्टार टाइगर श्रॉफ खड़ा रहता है। टाइगर ऐसा एक और आपके फैंस का ही सवाल था कि आप इतने अच्छे स्टंट्स करते हो, पूरा वो कर लेते हैं ना टाइगर जो ऐसे करके पूरा जैसे हम हाथों से करते हैं ना, हाँ ये टांगों से कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आप फिटिंग वाली जीन्स भी पहनी, कभी जीन्स भी उधड़ गई हो कभी आपकी? कई बार ऐसा होता था जब मैं हाई किक मारता था तो यहाँ से फट जाता था। तो इसमें हो करने के लिए क्या बात है, बंदा मेहनत करता है तो हो जाता है, जिसने सारा दिन ऐठे बैठा रहना उसकी थोड़ी ना बटेगी। आई मीन अच्छा वॉर में ऋतिक सर और टाइगर आमने सामने हैं, जबरदस्त एक्शन है। ऋतिक सर ने भी एक सुपर हीरो वाली फिल्म की है, टाइगर ने भी की है। टाइगर अगर आपको रियल लाइफ में कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे और वो सुपर पावर लेके आप क्या करना चाहेंगे? सर आपके पास जो है लोगों को हंसाना, आई थिंक उससे बड़ा सुपर पावर है ही नहीं। लव यू ब्रो, पर सोनी टीवी से ये दरख्वास्त है ये लाइन को 5-6 बार चलाया जाए, इसका प्रोमो काटा जाए। टाइगर आपकी ना सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके दिखाइए जरा प्लीज। हाइडिंग योर फियर बिहाइंड मास्क, और ऋतिक सर की फोटो लगी हुई है जी, क्रिश वाली। टाइगर इसका क्या मतलब है? मतलब नकाब के पीछे क्यों डर रहे हो, एक वॉर चल रहा है ना हम दोनों के बीच में जी। वॉर मतलब खुलेआम हो गया अब तो। हाँ मतलब क्योंकि फिल्म में तो ठीक है, अब तो शरेआम बाहर भी पहन के घूम रहे हैं सर। क्या बात है, हमें एक और चीज पता चलेगी, आपको दोस्ताना 2 के लिए भी साइन किया गया है। नहीं तो ये गलत फहमी है सर। एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, नेक्स्ट। तो ये फिर नीचे की इसमें मछली घुस गई थी अंडर। मुझे लगा शायद मेरे को जॉन अब्राहम ने ऐसा किया हुआ था। तो आदमी दो बार ही ऐसा करता है, या तो दोस्ताना फिल्म के लिए या फिर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना हो। पर क्या कमाल की बॉडी है यार, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। टाइगर आप जब भी आते हैं इतना मजा आता है आपसे बातें करके, लेकिन जैसे आप फिल्म शूट करने जाते हैं कोई ना कोई 1-2-4 अफवाहें फिर भी आई जाती हैं, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं वो अफवाहें सच हैं कि नहीं। एक अफवाह ये है कि धूम 3 के लिए आमिर खान साहब को बॉडी बनाने में आपने हेल्प की थी। ये गलत है सर। नहीं, किस्सा ये है कि धूम 3 का जो किरदार थी आमिर सर का, वो एक एक्रोबैट, एक जिमनास्ट का किरदार निभा रहे थे, तो उन्होंने सुना कि मैं भी इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ जिमनास्टिक्स एक्रोबैटिक्स में, तो बहुत काइंड थे, मुझे बुलाए थे एक वर्कआउट के लिए उनके साथ। अच्छा, बाहर गाँव से कोई ट्रेनर्स मंगाए थे उन्होंने। ओके, तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ प्रैक्टिस करने को, और हाँ काफ़ी बातचीत हुई, पर मैं कभी ऐसा टिप्स नहीं दिए या कभी ट्रेनिंग नहीं दी उनको। दैट्स अ फॉल्स न्यूज़। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट यार, मतलब क्या बात है, आपकी मेहनत है ये। एक अफवाह ये है कि एक बार आप जू घूमने गए तो वहाँ भगदड़ मच गई कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। शायद सच हो सकता है, I don't know. तो ये बिल्कुल सही अफवाह है। एक अफवाह ये कि आप इतने शाय हैं तो जिस दिन रोमांटिक सीन होता है
उस दिन आप बिना नहाए चले जाते हो ताकि हीरोइन खुद ही मना कर दे। चलो आइडिया अच्छा है पर फिलहाल तो नहीं, नहीं गलत है सर। ओके कपिल, अगर तेरे को किसिंग सीन ऑफर हो फिल्म में, हाँ जी, और ये शर्त हो कि ये किसिंग सीन करना ही पड़ेगा तभी तेरे को फिल्म मिलेगी, तो तू करेगा फिल्म? मैंने यहीं से निकालना टूथब्रश। मैंने कहा आ जाओ। ओके एक अफवाह ये है कि आपको सुंदर सुशील लड़की की तलाश है इसलिए आप सोमवार के व्रत रखते हैं। सही बात है सर। आप सीरियसली सोमवार के व्रत रखते हैं? आज की अफवाहें समाप्त हुई, धन्यवाद। पर मंडे को व्रत एक्चुअली रखते हो? I do keep a fast, ma'am. मैं शिवजी का भक्त हूँ तो every Monday. तेल लगाकर मसाज करेंगे। How is the तेल? गरम है। How is the तेल? गरम है। अभी कप्पू और पिक्चर आ गए ना, हाँ। हम लोगों ने अपना कमांडो टीम बना लिया था एक मसाज करने का। तो ये तुम्हारे कमांडो हैं? क्यों क्या हो गया? देखने में तो मेरे को सारे मुजरिम लग रहे हैं ये लोग। तेरे को मालूम है ये इतना खतरनाक है, ये दांतों से थ्रेडिंग कर लेता है। अच्छा हाँ, और ये वाला? फिर जब वो थ्रेडिंग करके खून निकलता है ना तो ये वाला सॉरी बोलता है। आपको इनकी खासियत मालूम है टाइगर? कितने फिट है देखो। फिट है? चारों को मिला लो ना तब जाके 32 कमर बनती है इनकी। ये वाला आपका बहुत बड़ा फैन है, अरबिक में आपको हेलो बोल रहा है इधर। चलो निकलो इधर से फट। चलो बहुत हो गया तुम लोग का। हाय हाय, कैसे? मस्त मस्त पिक्चर करे ले आप। थैंक यू, थैंक यू। आपका मुन्ना माइकल देखी मैं नाला सुपर में देखती थी ना, आप जब डांस करते थे मैं भी उधर टीवी के सामने बहुत डांस करती थी। क्या बात है। फिर अभी आपका वॉर पिक्चर है ना, उसका प्रोमो देखी, क्या मस्त एक्शन किए। थैंक यू। माय गॉड, एक्शन देख के मैं एक दिन इतना भर गई अंदर से, मेरा जो छावा है ना मुकेश, उसकी माँ को पीट डाला मैंने। मैं सच्ची बोलती, मेरे को अपने साथ में रख लो, दोनों मिलकर ऋतिक से बदला लेंगे हम लोग। चलो ठीक है। मैंने मस्त मस्त मैसेज चालू किए ले। अच्छा, जैसे कि अपना जवान से लेकर वेपन तक, वेपन का भी मसाज करते हम लोग। वेपन मसाज कैसे हो सकती है? अरे हम लोग क्या मशीन गन को मसाज करके मिसाइल बनाते। हाँ सच्ची में यही सब काम है इसका, मर्द रूपी मादा। क्या बोला? मर्द रूपी मादा। हाँ तो यही जो तूने पहलवान रूपी दादा बिठाया सामने, उसका क्या? टाइगर, एक बात आप मेरे को श्रॉफ श्रॉफ बताओ, सॉरी साफ साफ बताओ। ये जो वॉर पिक्चर है ना आपका भी, हाँ। मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है लोग को। क्या कंफ्यूजन? ये कि कौन सा वॉर है, सोम वॉर, मंगल वॉर, बुध वॉर? ये वो वाला वॉर नहीं है, इंग्लिश वाला वॉर, लड़ाई। क्या दिन आ गए ले, अब कप्पू मेरे को इंग्लिश सिखाएगा। वाह। मेरे को अपने साथ में रख लो ना। ओके। मेरे को आपके डैडी बहुत अच्छे लगते हैं। बीड़ी बीड़ी बोलते हैं ना वो। हाँ। मैं उनकी बीड़ी बनने को तैयार हूँ। पर बीड़ी ऑलरेडी है डैडी के पास। ऐसा बड़ा वाला बीड़ी नहीं मिलेगा ना। मैं उनसे इतना प्यार करती है, मैं फूक जाऊंगी उनके प्यार में, बता रही मैं। तो फिर तेरे मुकेश का क्या होगा? अरे एक बार दादा को हाँ तो बोलने दे। जब मैं मुकेश की माँ को पीट सकती हूँ, मुकेश को तो मैं धोपट डालेगी उसी वक्त। हे टाइगर, कैसे आपके बच्चे? मेरे बच्चे? तो उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, बच्चे कैसे हो गए? तो फिर इनके डैडी को लोग दादा दादा क्यों बोलते हैं? अरे वो रिस्पेक्ट देते हैं उनको, इसलिए दादा बोलते हैं। तू इस शो का होस्ट है कि मुंबई का चौधरी है, सब मालूम है तेरे को। अच्छा मेरे को आपसे काम था। आप ना मेरे को दो दिन के लिए नाला सुपर में लगेंगे। ओके। ये क्यों लगेंगे? क्यों? क्या करें? उधर सर ना मच्छर बहुत है, तो क्या मैं मारती है ना तो उड़ जाते हैं। हाँ। और आप तो उड़ उड़ के मारती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब इतना बड़ा स्टार तुम्हारे लिए मच्छर मारेगा? अच्छा तो बड़े स्टार है तो इनके लिए क्या मगरमच्छ उड़वाऊं मैं वहां पे? कैसा कैसा बोलता है ये?
आपको तो मालूम है पिछली बार आए आप पार्लर में अलग अलग टाइप का मसाज करती है. आपके लिए मसाज है बागी मसाज. अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या हम कस्टमर का कपड़ा उतारते है फिर बा को बुलाते अच्छा. फिर वो आती है और घी लगा के मसाज करती है. बागी ऐसा वर्ड प्ले खेला हम लोगों ने. फिर हमारे पास है बागी टू मसाज. अच्छा उसमें क्या है? उसमें दो बा आती है और फिर वो भी घी लगा के मसाज करती है. सब बागी टू ऐसा. ओके ओके. फिर आपके लिए बागी थ्री मसाज. इसमें तीन बा आती होंगी. हमेशा ऐसा ही नहीं रहता है हम लोग का. तो इसमें एक ही बात ही है. अच्छा. वो उस घी को तीन बार लगाती है. मेरे को सच्ची बताओ कितना मेहनत करे. 80 एपिसोड हो गए हम लोग के. पहली बार मैंने घी इस्तेमाल किया ना अपने मसाज में. सुपर. इस बात के लिए अर्चना जी मेरे को 51,000 का पुरस्कार देगी. अच्छा. और दे देना. हाँ दे देना पक्का, वरना सिद्धू जी पीछे 52,000 लेके खड़े. सर मैं चलूं क्या? मेरे बहुत क्लाइंट लोग आते हॉलीवुड से आए अभी. वो लेडी गागा है ना. हाँ गागा के उनका गागा सूज गए. क्या क्या सूज गया मतलब? नहीं वो तो अभी जाके पता चलेगा ना. ऐसे देखेंगे तो सूजन का पता चलता है. अच्छा इतनी बार मैं आई ली आपको मसाज बोलती है. आप कभी नहीं बोले मेरे को लेके जा, मेरे को कभी मसाज दे. चलो आज हो जाए फिर. है ना. कौन सा बागी? 2-1 के 3? बागी 3 कर लेते हैं. क्यों 3? बागी 3. आइए. क्या बोल रहे? नो 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 ना ना, ओनली मसाज. दिस इज इंडिया. ना ना, ओनली मसाज. नो नो नो. बहुत गलत कर दी है. उस दिन दरियाई घोड़े को मसाज कर रही, उसका दरिया पी गई, उसका घोड़ा घोड़ा रह गया. चल अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चुपचाप मसाज करो, थक के आए. चलो आइए टाइगर, आप कुछ नहीं करेंगे. ओके ओके. टाइगर को डर लग रहा है सपना के साथ जाते हुए. अर्चना जी इनकी वॉर के चक्कर में ना हमारा दिमाग दबड़ू घुसड़ू हुआ पड़ा है. कौन जा रहा है कहां पे, कौन कहां से घुस रहा है. कुछ ऑड है. क्या हुआ सर? यहां पे कोई टाइगर आया था क्या? नहीं नहीं मैंने आवाज सुनी थी. ओ अर्चना जी डकार ले रही थी. वो तो ऐसे ही सर, वो जिस दिन कुलचे खा लेती है वैसे. यार बड़ी सारी बातें थी ऐसे ही आके ले गया आपको. अच्छा यादव सर हमारे यहाँ पे कोई भी आए आपको लेके जाए, प्लीज जाया मत करिए. मानी एक बात सुनी मैंने आपके बारे में. क्या? अब मुझे पता नहीं है वो सच है कि नहीं. आपने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया है. हाँ? ये क्या होता है टूरिज्म में? पहले तो इस पे प्रकाश डालें. ट्रैवल करना पसंद है. और तो प्रोफेसर पढ़ाते हैं कि ट्रैवल एजेंट? प्रोफेसर प्रॉपर कोर्स है. हमें नहीं पता था ये अमीरों वाली पढ़ाई होती होगी कोई. पर इसमें क्या होता है वाणी? तो आपको सिखाते हैं कि जगह जगह जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. And all of that, huh? I did not know के she has studied this क्योंकि हम लेक कोमो में थे और मेरा एक चीट मील का दिन था. अच्छा जी. तो मैंने इनसे कहा कि मेरा आज चीट दिन है तो come on let's go. She said I will choose the best place for pizzas. तो लेकर गई हमें. अच्छा जी. Worst place in the world. मतलब मैंने order किए कुछ 5 पिज्जाज. अच्छा जी. क्योंकि मैं इतना हंगरी था मैंने कहा कि आज तो मतलब कि वर्स्ट पिज्जाज इन द वर्ल्ड. आपको पता मैम इस फिल्म में हीरोइन एक है लेकिन एक्शन डायरेक्टर जो है वो 4 हैं. जी तो सर हम इसका मतलब क्या समझें कि आपको एक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैं साहब का इनबिल्ड है. इस फिल्म में जो रोमांस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सरप्राइजिंग है. ओके. और जो एक्शन है वो बहुत ही घमासान है. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इस फिल्म में वॉर एंड लव, जी इसका जो मिश्रण है बड़ा खूबसूरत है. आई हैव रियली एंजॉयड. एक्चुअली बहुत खूबसूरत है.
अच्छा आप जैसे सब जानते हैं कि वॉर में ऋतिक सर और टाइगर के बीच जो है वॉर चल रही है, तो ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन रियल लाइफ में भी हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई वॉर चलती है, भले ही हस्बैंड वाइफ को लेकर हो जाए या भले ही आपकी छोटी भाई बहनों के बीच में हो जाए कपड़ों को लेकर। तो आप में से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में या आपकी निजी जिंदगी में कौन सी ऐसी वॉर हुई है, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन, दो लड़कियों ने हाथ खड़े किए हैं। हेलो कपिल सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। वॉर और छत्तीस काकड़े की बात होती है तो यहाँ पे मैं मेरी बहन के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरी बहन से ही मेरा छत्तीस काकड़ा है। अच्छा जी, आपकी बहन आई साथ में? हाँ सर, वो ये रही। अच्छा दो, अच्छा हाँ, तभी दोनों ने खड़े किए थे। तो किस बात की लड़ाई होती है आपकी और आपकी बहन की? सर ना एक्चुअली मेरी बहन मेरा बंदा लेके चली गई। हाँ जी, आपका बंदा बॉयफ्रेंड लेकर चली गई? किधर? यही तो है। सर जिससे मैं प्यार करती थी उसने उससे शादी कर ली। ओ, शादी कर ली? चलो बंदा घर पे ही रहा ना प्रोडक्ट। लेकिन आज आते हुए भी उसे जीजू बोलना पड़ता है। अच्छा, घर पे रहा प्रोडक्ट। हाँ तो बाहर कहीं चले जाते तो इससे अच्छा घर पे ही तो जीजू बोलना पड़ता। तो क्या अभी इससे बेटर आंसर कुछ जो दिल में है उससे जीजू कैसे बोले। चलो लेकिन साली तो आधी घर वाली वैसे भी होती है। ये आप आइडिया दे रहे हो जीजू को। तो जीजू नहीं आए साथ में? नहीं। चेक करो कहीं तीसरी के पीछे ना लगे हुए। आपकी बहन के विचार जानना चाहता हूँ मैं। हाँ। क्या आपने ऐसा किया है जनता जानना चाहती है? सर वो उसको लाइक ही नहीं करता था, वो खाली फिली उसके पीछे पड़ी थी, वो मुझसे प्यार करता था, इसलिए मेरी साथ उसकी शादी हुई है। कैसी बहन है? See, I'm married already. मैं वो देखना चाहता हूँ कौन है वो ऋतिक रोशन। यहाँ पे आना पड़ेगा। कहाँ से आई आप? सच्चाई क्या है? मुंबई में कहाँ से? अंधेरी। अंधेरी से? तो वो कहाँ है आपके हस्बैंड इस समय? He is working right now. अंधेरे में। हस्बैंड अंधेरे में। वो अंधेरी में। ये चलता रहता है हंसी मजाक, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए हंसी मजाक। जब आपका वाला आएगा आप भी बात मत करने देना इनको। धन्यवाद लड़कियों, शुक्रिया, धन्यवाद, बैठ जाइए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन है जी भाई साहब? सर आपकी मूवी आ रही है वॉर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मूवी। थैंक यू वेरी मच। एंड सर आपकी वॉर का में क्या होगा वॉर में वो तो सबको पता लग ही जाएगा जी, बट मेरी लाइफ की एक वॉर है जो पिछले 12 साल से चल रही है। 12 साल उसका दुनिया को छोड़ो मुझे ही नहीं मालूम कि कब खत्म होगी। ओके क्या है वो? सबसे बड़ी वॉर सर हस्बैंड वाइफ की। ओ तो आपके प्रतिद्वंदी साथ में आए हैं आपकी वाइफ? हाँ सर साथ में आई है। अच्छा बिल्कुल, जो आपके बगल में है, नमस्कार जी। किस चीज को लेके आपका वॉर चलता है? सर एक्चुअली वाइफ जो है वो हस्बैंड को बेसिकली कॉल करती है पूछने के लिए खाना खाया या नहीं खाया, हाँ क्या कर रहे हैं। हाँ जी, या उल्टा है, या मैं कॉल करके पूछता हूँ ऑफिस से कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है सर, एक कॉल पिक करेंगे, बात हुई, सेकंड कॉल पिक ही नहीं करेंगे, पिक करके साइड में रख देंगे। मेरी डॉटर कॉल पिक करेगी, बोलेगी मम्मा बात कर लो, रिप्लाई नहीं करना कोई भी इन्होंने। क्या मैम ऐसा क्यों, इतना प्यारे पति आपको मिले हैं फोन कर करके पूछ रहा है बंदा, मुझे तो इनके सर के पीछे ना चक्कर नजर आ रहा है, कोई शक्ति नजर आ रही कि इतना प्यारा हस्बैंड, क्यों आप ऐसा करती हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक दो साल तक तो सब कुछ ठीक है। अच्छा जी, लेकिन 12 साल और ऐसी वाइफ इन्हें कहाँ मिलेगी जो इन्हें कहेगी गोवा जाओ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ फ्रीडम को एक्सप्लोर करो। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी बताइए। वाह, मुझे आपके पीछे भी मुकुट नजर आ रहा है, और वो ऐसे पति पत्नी मैंने कभी देखे नहीं है कि पति फोन करके पूछ रहा खाना नहीं खाया, पत्नी बोल रही गोवा जाओ। वाह सर, आप थोड़ा समझा दीजिए ना प्लीज। मैं तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इन दोनों की पेंशन लगा दो। इतने प्यारा कपल मैंने देखा ही नहीं है। प्यार प्यार वाली लड़ाई हो रही है। वाह, पर सर आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो लगे रहिए क्योंकि आपके प्रॉब्लम फंस जाएंगे। अगर आपने ये फोन करना बंद कर दिया अगले 12 साल इसी बात पे लड़ाई होगी, अब तुम फोन ही नहीं करते। Yeah, you are right, तो sir. वो आप करते रहिए जो आप करते हैं। थैंक यू सर, ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? मैम एक्चुअली मेरी जो फैमिली में झगड़े होते हैं वो ऋतिक सर की वजह से होते हैं। वो क्यों है? एक्चुअली मैं सर, मैं ऋतिक सर जैसी फिटनेस चाहता हूँ, और उसके चाहता तो मैं भी हूँ, पर वो चाहने से होता कुछ नहीं, वो करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती करने है। एक्चुअली मम्मी तो बहुत हेल्प करती है, बेटा डाइटिंग करो, चावल मत खाओ, घी मत खाओ, पराठे ज्यादा मत खाओ। पर सर प्रॉब्लम ये है कि जब से मेरी शादी हुई 1.5 साल से, सर उसके बाद से जो मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ है वो वापस ही नहीं जा रहा सर। तो मैं चाहता हूँ सर आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं?
I mean, तो आपको आपकी वाइफ ज्यादा खिलाती हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा सर. जिम भी नहीं जाने देती है, ना वॉक करने देती है, ना गाइकिंग करने देती है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर घर में. क्यों नहीं करने देती है आपकी वाइफ, बात कराइए जरा. क्यों नहीं करने देती आप उनको वॉक? एक्चुअली सर बताइए, मैं सुबह से मेहनत करके खाना बनाती हूँ, है ना. और ये मुझे कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना. यू वॉन्ट बिलीव सर, मैं यूट्यूब में सर्च करके इनके लिए खाना बनाती हूँ. ये कहते हैं थोड़ा और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ. तो मैं हमेशा सुबह से जैसे ये जाते हैं शॉप में, मैं सर्च करने बैठ जाती हूँ कि मैं इनको ऐसा क्या, इवनिंग में आएंगे तो मैं इनको ऐसा क्या खिलाऊं जो इम्प्रेस्ड हो जाए मेरे से. शादी से पहले वेट ज्यादा नहीं था. अच्छा, कितना था? 90 केजी था. अब कितना है? अब मैम मेरा 105. दोनों का मिला के 400 होगा आपका. मैं सर इससे बोलता भी हूँ कि मुझे वेट कम करना है. ये बार बार मुझे बोलती है मुझे गोलू मोलू लोग पसंद है. ऋतिक सर आप ही बताइए, खाना खाना बुरा है क्या? As you said ना कि वॉक खत्म. खाना बुरा नहीं, नहीं. इनका मम्मी के साथ हमेशा इनकी मदर कहते नहीं खाओ, कम खाओ बेटा. मैं बोलती हूँ मनीष मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, खाओ ना प्लीज खाओ. मनीष ना कौन है? हस्बैंड. अच्छा. है मेरे. कितनी अच्छी बात है, बीबी को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है. नहीं है कोई. एक्चुअली मैं सर मैं आपके जैसे फिटनेस चाहता हूँ. कपिल तेरे से बोल रहा है. मुझे गोलू मोलू ही अच्छे लगते हैं. व्हाट कैन आई डू. बहुत प्यारी जोड़ी है आपकी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू. ऋतिक सर आप वॉर खत्म हो गई है. आप बोल रहे थे समोसे खाऊंगा मैं. देखो आपको प्यार कितना करते हैं. मेरे लिए कभी नहीं मंगवाया इन्होंने. अच्छे हैं तो खाऊंगा. अच्छे हैं क्या? अच्छे मतलब वेस्ट नहीं होनी चाहिए मेरी. आई डोंट केयर अच्छे हैं कि नहीं. देखो आई आल्सो डोंट केयर. अच्छे मतलब समोसे है ना. कैसे खाएं क्या? स्वाद है. वाह वाह वाह, बड़ी बात है. फ्री के. माय फर्स्ट चीट मील आफ्टर वॉर इज ऑन योर शो. चलो भैया. He's come with his coffee. कोई समोसा नहीं मिलेगा. मैं डाइट पे हूँ आजकल. हाय वाणी जी. हाय ऋतिक सर, कैसे हैं आप? तेरी पहुंच से बाहर. ये क्या है? एक कॉफी है. आपकी पहुंच से बहुत बाहर. ये कौन सी कॉफी है भाई? दिखा. ऐसे नहीं खोलते इसको. दाल? दाल? तेरे को शर्म नहीं आती मग में दाल लेके घूम रहा तू? पागल आदमी है. सॉरी मैं अर्चना जी का मग ले आया. अर्चना जी आई एम सॉरी. अच्छा आप दाल पीते हैं, बताया नहीं आपने. खैर इतने खूबसूरत लोगों के आगे हम कॉफी और दाल की बातें कर रहे हैं. हाँ. वाणी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. सो स्वीट. और ऋतिक सर मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू. आपका मैंने ट्रेलर देखा है वार का, कमाल कर दिया सर. मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ. तू कुछ करना चाहता है ना ऋतिक सर के लिए? हाँ. तो देश छोड़ दे. हम सब तेरे बड़े मेहरबान होंगे. हम ऋतिक सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ. मैंने आपकी क्रिश फिल्म देखी, उसके बाद तो मैंने वो जो यूनिफॉर्म थी 6 महीने नहीं उतारी. एक्चुअली सर बिल्कुल सही बोल रहा है. अच्छा ड्रेस सेम थी और ये उस ड्रेस को पहन के कैसे सुपर हीरो लग रहे थे और ये थर्स्टी क्रो लग रहा था. कैसा है तू? सर मैंने क्रिश 4 का भी ऑडिशन दिया था आपके प्रोडक्शन हाउस में, लेकिन मेरे को कोई अपडेट नहीं आया उधर से. आया है अपडेट. ये देख राकेश रोशन साहब का मैसेज आया. क्या? ये देख. डियर चंदू तेरा ऑडिशन देखा. वाह लानत है. सॉरी इस ऑडिशन को देखकर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ और कुछ करके तुम्हें इस चैनल से भी निकलवाता हूँ. आया रिप्लाई तो आया. वाणी मैम आपके पास दोस्ती के लिए कोई जगह है थोड़ी सी? क्योंकि he is taking me for granted. Taking me for granted? चल आज तू इसके स्पेलिंग बता दे. चैनल की तरफ से 10,000 एक शॉल तेरे को मैं अभी के अभी दिलवाता हूँ. Taking me for granted के स्पेलिंग बता. तो इसमें कौन सी डिफिकल्ट चीज है बताओ? टेकिंग में सबसे पहले गरम गरम टी लो. उसके बाद किंग आता है, किंग का के ले लो. पीछे थोड़ा सा इंग लगा दो, टेकिंग हो गया. बाकी बचा ग्रांटेड, वो आप ले ही रहे हो मुझे. दस हजार रहने दो. जो शॉल बोला था ना चैनल की तरफ से वो अभी मंगाओ, इसको लपेट के पीटते इसको. मेरी बात सुनो, अगर इधर उधर स्पेलिंग हो गए हैं तो कोई बात नहीं, छोटा शॉल दे दो मेरे को. तेरे को जब इंग्लिश नहीं आती तो पंगे लेता क्यों तू? क्योंकि मैं गुरु हूँ.
सर जैसे आपने फिल्म में टाइगर सर को सिखाया है ना, किस तरह कुछ सिखाया है, वैसे ही कुछ साल पहले मैंने एक लड़के को चार बातें सिखाई थी, आज सोनी पर वो अपना शो चला रहा है। और मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो चार बातें सिखाई तुमने उस लड़के को, उसमें से दो अगर तुम खुद सीख लेते तो आज तुम्हारा पजामा भी मल्टी कलर होता। बड़ा गुरु बन रहा है, पता क्या है? इसको पता ही नहीं कुछ चंदू को। इतना पढ़ाई लिखाई में, मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे प्रिंसिपल थोड़े बीमार हो गए, मैंने उसको आगे बताया, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब कोमा में चले गए, कहता है बड़े आदमी कहीं भी जा सकते हैं। बताओ कपूर शर्मा, अगर मुझे पता होता ना भरी महफिल में तुम मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हें कुछ ना सिखाता। तूने मुझे धनुर्विद्या सिखाई तिरस्कार, ये क्या है? बड़े बड़े हिंदी के लफ्ज, तेरा मुंह सूज जाना तेरा। इसने सिखाया पता मेरे को क्या, कहता एक काम किया करो, जब भी स्कूल जाओ बेहोश हो जाओ, स्कूल वाले जूस पिलाते हैं। हाँ तो ये आइडिया देता है मेरे को। मैंने फायदे की बात बताई थी। हाँ फायदे की बताओ। अगले दिन जूस के चक्कर में अपने डैडी को साथ ले गया स्कर्ट पहना के। हाँ वो पकड़े तो तब गए जब टीचर ने पूछा ये कौन है, कहते वैसे तो मेरी सिस्टर है पर प्यार से पापा पापा कहते हैं। गुरु की रिस्पेक्ट किया करो। आपने देखा है सुपर 30 में कैसे बच्चे ऋतिक सर की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ वो तो टैलेंटेड है ना। वो तेरा टैलेंट क्या है? वही पैर में कंघी फंसा के जुए निकाल लेगा, उसके अलावा क्या करता है? खैर सर, एक मैंने पर्सनल, मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए। मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ। एक्सपैंड कीजिए कीजिए। नहीं नहीं एक मिनट, क्या करना चाहता हूँ? एक्सपैंड, मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं नहीं वो बोल जो तूने पहले बोला। यार सारी इंग्लिश तुमने मुझसे सीखनी है। इसको सर मैंने हेलो और वेलकम दो वर्ड सिखाए थे, उसी के सर पर इसने शो खड़ा कर लिया है। आज के बाद होस्ट का बच्चा होस्ट नहीं बनेगा, सिर्फ वही होस्ट बनेगा जो जी हुजूरी करेगा सोनी टीवी की। सर मेरे पास जी हुजूरी के बड़े अच्छे अच्छे आइडिया हैं, आप प्लीज सिलेक्ट करवा देंगे मुझे? बिल्कुल 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 जी। आई मैम आप भी प्लीज जी जी। एक बार ऋतिक सर और वाणी के लिए जोरदार तालियां। ऋतिक सर आई लव यू सर। आई लव यू टू। एंड सर एक फॉर्मेलिटी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबको पता है फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। थैंक यू वाणी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां मुझे। वॉर में जितनी हमने मेहनत की है उस सब का प्राइज मुझे आज मिल रहा है। आप सब लोगों का प्यार, आप सब का साथ, सर लव यू एंड समोसा, और मेरा समोसा। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। अब बस चलो टाइगर को बुला लेता हूँ। सो प्लीज वेलकम टाइगर श्रॉफ। सर क्या ऋतिक सर थे क्या यहाँ पे? नहीं कभी नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी आवाज सुनी तो वो कुलचे खा के यहीं डकार ले रही थी अर्चना जी। ऐसा कुछ नहीं है टाइगर, आप देख ही रहे हैं आपके कितने सारे चाहने वाले यहाँ पे हैं। तो ये कह रहे थे कि हम टाइगर को चैलेंज करेंगे। ओके और टाइगर जो भी स्टेप करेंगे हम उनको कॉपी करके दिखाएंगे। क्या बात है। ओके ओके सो आइए, कौन कौन है जो हमारे दोस्त कॉपी करने जाते हैं? आइए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक दो तीन चार पाँच, क्या हाल है सर? अरे अरे भाई साहब क्या हाल है, भाई साहब क्या हाल है? आइए आइए सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक्स भाई, थैंक्स, थैंक यू। आपके नाम पे मेरे बेटे का नाम रखा हूं टाइगर। क्या बात है, थैंक यू। अरे वाह। मैंने सर की जब हीरो बनती देखी थी, हाँ जी, तब मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था मैं मेरे बेटे का नाम टाइगर श्रॉफ रखूं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अनिल गुप्ता हूँ। तो अपना भी जैकी श्रॉफ रख लो ना। हाँ सर। आप इधर आ जाइए। तो ये है हमारे जिन्होंने चैलेंज दिया है टाइगर को, एक एक करके अपना नाम बताइए। आप अमजद खान साहब, आपका सॉरी आपका अनिल गुप्ता सर, नाम अनिल गुप्ता। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो आपके बगल में खड़े हैं। मेरा नाम रियाज खान है, मैं बांद्रा में रहता हूँ। बांद्रा में रहते हो, तो जगह ही बड़ी महंगी उधर तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय। जय आपका वीरू कहाँ है? आपका क्या नाम? मेरा नाम तुषार है। आपका क्या नाम है? जरूरत से ज्यादा लंबे भाई साहब। मेरा नाम आर्यन शाह है, मैं बांद्रा से हूँ।
आर्यन शाह। हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ टाइगर शाह। थैंक्स ब्रो, लव यू। थैंक यू। आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। मेरी तरफ उंगली करके आता तो टाइगर एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? पर सर मैं आऊंगा। मैं आज तक जिंदगी में कभी डांस नहीं किया हूँ, पर आप मुझे स्टॉप इसके बाद करोगे भी नहीं आप। चलिए मैं भी खड़ा हो जाऊँ, सारे भी ट्राई करूंगा। विसल बजा का एक हुक स्टेप था अगर आपको याद है। ऐसे रखो पैर, ठीक है, दोनों अंदर की तरफ, ऐसे पैर 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 अंदर की तरफ, दो ही बार करना है, एक दो, बस इतना आसन। अभी अपर बॉडी, शर्ट का कॉलर पकड़ो ऐसे, वो वाला, हाँ हाँ, और ये राइट वाला नीचे, जी बस ऐसे ही पकड़ के रखो, और नीचे का है अंदर बार करना है आपको, ठीक है? तो सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। तो बेसिकली डांस करने की कोशिश जो है वो की है गुप्ता साहब ने और ये जूनियर फरहान अख्तर ने। वेरी गुड। बाकी आप लोग सिर्फ नाम ही बताने आए थे अपना। पर थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। अरे मेरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर, लव यू। आइए सर आइए, मेहमानों के लिए जोरदार तालियां, आपने बड़ा अच्छा डांस किया। दो दिन के लिए आई थी दिल्ली से, ढाई महीने होगी पड़ी हुई इधर। क्या होगा, ढाई महीने हो गई है, ढाई महीने दिखे पुआ के, वो नौ महीने से बैठी है उसका नहीं आया बड़ा, ढाई महीने हो गए हैं। तू ना पुत्र बादाम भिगो के खाया कर, तेरी ये कमजोर हो गई है, बॉडी देखो ऐसे करता था, लगना आटा गूंद के रखा फुलके उतारने। इधर देख टिग्गू का शरीर देख, कैसे कसा हुआ है, ऐसे नॉक नॉक कर ना, टिंग टिंग की आवाज आती है। हुआ ये टिग्गू क्या था, टाइगर है उनका नाम, तेरे लिए होगा, मेरे लिए तुम्हारा टिग्गू है। आए इतना सोता था, पेंजी मेरी गोद में छोड़ जाते थे, सारा दिन खेलता रहता था, इतना बारिश ने बॉम्बे को गीला नहीं किया जितना टिग्गू ने सुसु कर करके गोद गीली की है। झूठ बोलती है बुआ, तूने यही बात आयुष्मान को भी बोली थी। हाँ तो क्या हुआ, बुआ तो सेम ही है ना, है? मैं उनमें से नहीं हूँ चार पैसे लेके बात बदल लूँ अपनी, और बच्चे भी सेम काम करते हैं। अभी आयुष्मान छोटा था, वो सुसु करता था, ये जूस करता था, ये भी तो सुसु ही करता था ना पाजी। मैंने बुद्ध तेरा ट्रेलर देखा, ओए ओए ओए, तेरी बोर चल रही है जी, लेकिन घबराना नहीं, कम्मो पुआ आ गई है, तेरे को कोई हाथ लगाने से पहले ना कम्मो पुआ से निपटेगा। अच्छा, तेरे को पता है टाइगर की लड़ाई किसके साथ चल रही है? हाँ, रितकू के साथ। रितकू कौन? रितकू नहीं पता, छह साल हो गए शो कर, रितकू नहीं पता, रोशन भाई साहब का बेटा, वो जो ऐसे टीडिंग 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 करता रहता है। बेटा मैंने देखा ट्रेलर, गलती ना वो रितकू की है, रितिक की है गलती, तेरे को पता है। तुम्हें कैसे पता हुआ? क्योंकि ये टाइगर शरीफ है। टाइगर श्रॉफ है। हाँ तो श्रॉफ शरीफ नहीं होते? आया बड़ा है, कितना शर्मीला लड़का, कितना शर्मा रहा है, वो अलग बात है, किसी को आती नहीं, किसी की जाती नहीं। मैंने देखा पुत, गलती और इतनी की है, उसको मैं जानती हूँ, जब नया नया आता है तो कहता था कहो ना प्यार है, फिर कोई मिल गया, कोई मिल गया, जब कोई मिल गया तो वॉर चला दी। भाई साहब अब आप ही बताओ कि कितनी गलत बात है, है? मैं तो क्या, मैं बीच बीच में भाई साहब से सलाह लेती रहती हूँ, आ तो क्या कुर्ता पजामा पहना हुआ वो तो मैं तो कहती घबराने की जरूरत नहीं, अपन चलते हैं उधर रोशन भाई साहब के पास, उनको मैंने कह देना है कि भाई साहब आपके बेटे ने जग्गू दादा के बेटे के साथ बहुत गलत किया। एक और बेटा, मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, ऐद की मैं कुछ लेके नहीं आई क्योंकि मेरा टिग्गू आया, मैं इसको क्यों काम कराऊ, इधर थोड़ा प्रेशर दे हाथ से, ये ना एसिडिटी बहुत हुई है। अच्छा। कर कर कर
बुआ ये तू क्या बातें कर रही है, ये तुझे पता है वो कहानी की डिमांड है फिल्म में, लड़ाई थोड़ी ना सच्ची में हो रही है। मेरा पुत्र नहीं, मैं जीता, मैं अपने पुत्र को कुकी दे वाला। फिल्मों की कहानियां कभी मेरे को ना बताया कर, इतनी फिल्में बनी नहीं जितनी कम्बो बुआ ने देख ली विद पॉपकॉर्न। चल पुत्र चलते हैं रोशन भाई साहब, मैंने बड़ी देखी ऐसी वो रे हुआ उरे। उनकी वॉर में बंदूकें चल रही हैं तुझे पता नहीं है? तो डरते हैं क्या दिल्ली से हम? हुआ को कह रहा है दिल्ली से हम तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। ये क्या धमकी हुई? ये धमकी नहीं बता, ये धमकी वाला मैसेज था, सेव द वॉटर। पुत्र मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ना कुछ हो रहा, फीलिंग हो रही है कि ये रोशन भाई साहब का बेटा ना रितिक तेरे से जेलस करता है। बुआ ये फिल्म में करेक्टर है, ये जो है ना ये उनके चेले बने हुए, वो इनके गुरु हैं। सुहा हाँ पुत्र ओ जा यार बेटा, ये क्या किया, इतनी बॉडी बना के चेले बन गए। अरे पुआ को पसंद नहीं आई बात, इतनी बॉडी बनाई है तुम, गर्लफ्रेंड बनाओ, जकूजी में नाओ, स्पा करवाओ, चेले बन गए। पुआ हटो इस बात से, ये पुआ को पसंद ही नहीं आई चेले, इतनी बॉडी चेले बन गए। बुआ एक बात बता, सबको पुत्र पुत्र बोलती रहती है, तेरी रिश्तेदारी है किसके साथ? स्कूटर निकालो, इनके डैडी के पास जाओ पहले, उनको पूछो, वो जो कहते तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, तो वो सबके पापा हो गए। अरे प्यार से बोलते हैं, स्वैग होता है स्वैग। सही कह रही हो ना? लेकिन ना जग्गू जी की याद आ गई मेरे को, मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे, वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। क्या हैंडसम होते थे, गले में जब रुमाल बांधते थे ना टिगू, तो गला मेरा कूट जाता था। हाय हाय क्या दिन थे, मतलब तू जानती भी है जैकी दादा को ऐसे गप्पे छोड़ रही? मैं जानती, मैंने कितनी गेमें खेली, अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे से आकर धप्पा मुझे ही कर देते, कहते धप्पा, मैं फिर आगे से जप्पा। क्या बोल रही है तू? कोई नहीं, मैंने तो अभी चोर सिपाही वाली बात ही नहीं बताई। आए उनकी फिल्म रंगीला आई थी, क्या लग रहे थे उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखी पुत, मैंने टीवी रंगीन हो गया। फिर क्या, वो ने छत पर चढ़ के जो याई रे चोर लगा के नाच रे, वो इतना नाची हड्डी टूट की पैर की। झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा का। अच्छा। मार रही किसने का? मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही तू चार के बेइज्जती करता रहता है। पुआ चू एक कमेंट, पुआ चूड़ बोलती है, पुआ अभी तुमको सच दिखाती है। एक ये क्या है? उल्टा है, उल्टा है। अच्छा ये क्या है? फ्लैशबैक अभी दिखाती हूँ, फ्लैशबैक। पुआ चूड़ बोलती है, हैं लगाओ फ्लैशबैक। लव यू मेरा बच्चा है तू बड़ो। मेरा बच्चा है तू। कितनी देर लगा दी आपने, मैं आपका कब आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे पेड़ लगा रहा था, लेकिन ये बरगद का पेड़ किसने लगा दिया बड़ो? चंडो जी आओ बरगद पेड़ के नीचे, थोड़ी छाव ले, क्या पता फल फ्रूट ही उग जाए। हाय हाय फल नहीं तेरे में फालूदा लगेगा, फालूदा। यू नो टाइगर, मैं इधर पीछे खड़ा था, मेरे को लगा कोई फ्रूट का रेडी खड़ा है। अला इस बरगद का पेड़ पे चुड़ैल ना बैठे, तेरे को लगता मैं बैठूंगा। देखा टिगू पापा कितना मजाक करते थे तब, मेरे तो बहुत फ्रैंक होते, कुछ भी कहते थे। सुनो जी आप इधर आए हो, थोड़ा मूंछो को ट्रिम भी कर लेते। मूंछो तो तू भी अपने नाक के बाल कटवा के आती है। तो नाक क्या हो गया? बाल बाहर निकल रहे देख। तो एक मिनट, ये लो विश मांगो पूरी होती है। आईच्या गावात आईच्या गावात। सुरजी वो ना हीरो फिल्म में जो आपने बांसुरी बजाई थी ना, वो मुझे एक बार सुना दो। तू जैसे एनाकोंडा के लिए बांसुरी नहीं नगाड़ा बजेगा, नगाड़ा। फ्रेंड्स अच्छा ऐसे कहते रहते हैं। तो चलो फिर वो तीन मैजिकल वर्ड ही बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, कब से कम्मो वेट कर रही है, बोल दो ना। Should I tell you? What do you say? Say. Yeah. मेरा बच्चा है तू।
मतलब मैं आपका बच्चा, आप भी इनके बच्चे, तो आज से हो गए भाई बहन। कैसे भाई? भाई बहन। आई गावत, बाजवट, बाजवट, बेटे को हाथ नहीं लगाने का बड़ो। बड़ा बेटा है, इट्स मेड मी फील प्राउड। वॉर पिक्चर आ रहा बड़ो टाइगर, सबको बोलने का वॉर पिक्चर, सब लोग जाके देखने का बड़ो। जोरदार तालियां हो जाए हमारे नकली चक्कू दादा और कपो बुआ के लिए, और उससे भी जोरदार तालियां टाइगर के लिए। टाइगर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का। कृष्णा आप लोग, ये लंबा है ना? हाँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन टाइगर। थैंक यू सर, बहुत मजा आपके साथ हमेशा ही आता है। थैंक यू, और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वॉर के लिए भी और वॉर के बाद जितने भी आपकी फिल्में आने वाली हैं, वी लव यू टाइगर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट चमकार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।